श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद बोक्ता बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर कुंदा व प्रतापपुर पहुंचे। मंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ कुंदा चौक पर घूम घूम कर अभिवादन किया। इस दौरान मंत्री ने माँ सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होकर अबीर गुलाल लगाकर बच्चों को आशीर्वाद दिया। वहीं परिभ्रमण के दौरान बच्चों ने मंत्री के साथ खूब सेल्फी ली। मंत्री ने 10 फरवरी को सड़क दुर्घटना में हुई बौदाडीह गांव के संतोष साहब के घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर ठांठस बंधाया और हर संभव मदद करने की बात कही। साथ ही 10,000 का सहयोग राशि दिया। मंत्री ने कहा कि मृतक संतोष साहब की पुत्री की शादी हेतु कन्यादान योजना से 30,000 का सहयोग राशि दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि जिनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है उन्हें सरकार द्वारा विवेकानंद योजना के तहत 1,00,000 मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मंत्री ने प्रतापपुर जोरी पथ में बांजाबाहर नदी पर पुल का शिलान्यास किया। वहीं पत्रकारों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि 3 विधायक मत शुरू होने के बाद कुंदा स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं प्रतापपुर पैक्स में धान क्रय केंद्र के बिचौलियों गिरी हावी होने को लेकर मंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायत मिली है कि जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष निगरानी रखें एवं कुंदा में अगर 500 क्विंटल की पंजीकरण होता है तो कुंदा में ही धान क्रय की जाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव, युवा राजद प्रदेश उपाध्यक्ष सह पलामू प्रभारी दीपक साहू, समाज सेवी भोला प्रसाद, विनोद साहब आदि सभी मौजूद रहे। हमारे दिए गए थे मरम्मती तक नहीं किया, राशि देने के यही कारण है। और अभी जितने सड़क खराब है सभी सड़क को हम मरम्मती कर रहे हैं और नया काम का शुभारम्भ भी कर रहे हैं। जिस तरह के कुंदा से प्रतापपुर सड़क और कुंदा से लवाल लाइन सभी चलने लायक नहीं है, गढ़ा सड़क में है, सड़क गढ़ा में है, हो चुकी है, काम भी प्रारंभ लगभग हो गया है। और इस दुख के घड़ी में पूरे परिजन को हम लोग ढाढ़स देने के लिए आए हैं कि जो स्थिति और परिस्थिति है, क्योंकि अब इनके देखने वाले इनको हम विवेकानुदान योजना से सहयोग के रूप में 1,00,000 रुपये राशि खाता में देंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सर अभी पढ़ रही है, अपने विभाग से दोनों तीनों को छात्रवृत्ति देंगे और साइकिल देंगे। सर लाचार भी है और स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी सुविधा नहीं है, डॉक्टर नियमित नहीं रहते और पिछले बार आपने बोल के गया था कि यहाँ पे एम्बुलेंस का सुविधा हम अपने निजी मत से करवाएंगे। देखिए सबसे पहले कुंदा में प्रतापपुर पुराना ब्लॉक है, नया हॉस्पिटल हम प्रतापपुर में बनाने जा रहे हैं, कुंदा में हॉस्पिटल बनेगा। इसके अलावा दोनों जगह अभी चिकित्सा की कमी है, लेकिन जून जुलाई में पदस्थापित होगा तो हम दोनों जगह डॉक्टर देंगे। और अभी विधायक मत की राशि शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही शुभारम्भ होगा तो कुंदा में विधायक मत से एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाएगा। पैक्स गोदाम कुंदा में नहीं खुलने के कारण प्रतापपुर में काफ़ी बिचौलिया गिरी हावी है, ऐसा लोगों का कहना है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? अभी शिकायत मिली है कुंदा में कि हम लोग को धान बेचना है, धान लेने में बहुत माफिया गिरी चल रहा है। अभी हम बात किए हैं छतरा जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से और हम पूरा प्रयास करते हैं कि पहले देखते हैं कि यहाँ निबंधन कितना किसान है, कितना धान ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो अगर कम होगा 50 क्विंटल 100 क्विंटल तो प्रतापपुर में ही एडजस्ट करेंगे, अगर 400-500 क्विंटल की यहाँ ट्रांजेक्शन होगा तो 10 दिन के लिए यहाँ धान क्रय केंद्र खुलवा देंगे। मृतक के जो परिजनों को क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है और शादी भी सेट था, दो का घड़ी है, हम विवेकानुदान योजना से शादी के लिए 1,00,000 रुपये देंगे और कन्यादान योजना के माध्यम से अपने विभाग से दोनों को 33,000 रुपये के सहयोग राशि मदद किया जाएगा। R9 भारत के लिए कुमार चंदन चौधरी की रिपोर्ट, चतरा। प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर विद्या की देवी मां सरस्वती का प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि शांति सौंदर्य के साथ संपन्न हुई। प्रखंड अंतर्गत आने वाले बधाई युवा कमेटी के द्वारा दिन बुधवार को हवन के दौरान लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें युवा विकास कमेटी के अध्यक्ष शशि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी इसका आयोजन किया गया है। इसी बीच मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि बधार जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में लंगर की व्यवस्था करने से गांव की गरीब व असहाय लोग अपने आप को गदगद महसूस करते हैं। मौके पर धनंजय राम, आशीष कुमार, अमित गुप्ता आदि सभी सदस्य शामिल थे। युवा विकास
समिति की ओर से बलहार में सरस्वती पूजा किया गया, जिसमें पूजा के दिन प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद वितरण करने के बाद और आज मूर्ति विसर्जन का दिन है, जिसमें भंडारा प्रसाद वितरण किया गया और भंडारा के में जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी हैं असहाय लोग हैं, सभी को भोजन यहां पर करवाने की व्यवस्था की गई है। क्या नाम है? मेरा नाम शशि प्रकाश कुमार गुप्ता हुआ, बधार।